हेलो भाई लोग, कैसे हो आप? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। भाई आपका भाई भी काफी अच्छा है। तो चलो आज की जो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो ज्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करते, सीधे टॉपिक पर आते हैं। तो देखो आप क्या चाहते हो अपने डिवाइस के अंदर? यहाँ पर वीवो वाई ट्वेल्व है मेरे पास, आपके पास वाई फिफ्टीन, वाई ट्वेल्व, अनदर डिवाइसेस, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप क्या चाहते हो अपने डिवाइस के अंदर? गूगल का कैमरा इंस्टॉल करना चाहते हो? आप चाहते हो कि किसी तरीके से हमें गूगल का कैमरा मिल जाए और उसे हम इंस्टॉल कर लें? तो भाई डेफिनेटली सभी के मन में होता है कि हम भी अपने डिवाइसेस के अंदर गूगल का कैमरा यूज करें, क्योंकि एक्चुअली जिससे भी मैं वीडियो शूट करूंगा रेडमी नोट 8, उसके अंदर मैं गूगल का कैमरा यूज करता हूँ। मैंने इसको कस्टम रोम के अंदर थ्रू इंस्टॉल किया है, इजिली है, कोई इशू नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ डिवाइसेस के अंदर एक प्रॉब्लम होती है, पता क्या है? यहाँ पर जैसे वीवो का डिवाइस है, कोई कस्टम रोम अवेलेबल नहीं है, कोई कस्टम TWRP अवेलेबल नहीं है जिसके थ्रू हम कोई रोम भी चेंज कर ले भाई, या कैमरा 2 API एनेबल कर दें, गूगल कैमरा यूज कर ले, कोई भी ऐसा प्रोसेस अभी तक यार निकल के नहीं आ रहा। बूट लोडर अनलॉक करने कोई प्रोसेस सही तरीके से नहीं है। तो इसलिए भाई मैं कस्टम रोम की वीडियोस बनाने की कोशिश करता हूँ, पर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ फाइल्स नहीं मिलती, बहुत दिक्कत होती है भाई। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का मतलब ये है भाई, आप सोचते हो कि हम किसी तरीके से गूगल का कैमरा अपने डिवाइसेस के अंदर यूज करें? तो आज की इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ, एक एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, उसको क्या करना है, आपको क्लिक करके सीधा प्ले स्टोर पर जाओगे, उसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको सारी इन्फॉर्मेशन मैं स्क्रीन पर देने वाला हूं, तो इजीली चेकआउट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो देखो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक एप्लीकेशन मिलेगी जी कमेंटर के नाम से, आपको इसको प्ले स्टोर से इजीली डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, कैमरा 2 API मॉडल इज एनेबल ऑन योर डिवाइस। तो इस एप्लीकेशन के थ्रू आपका कैमरा 2 API तो अनेबल है, ये आप टेंशन दूर हो जाए कि गूगल कैमरा आप यूज नहीं कर पाओगे इन फ्यूचर। फिलहाल अवेलेबल नहीं है भाई, देखो आपको बताने वाला हूं आपको करना क्या है। तो नीचे की तरफ देखो मैंने व्हाइट वाला के अंदर इंस्टॉल कर रखा है, आपके पास व्हाइट वाला Y15 होगा तो आपके पास सेम ही प्रोसेस आने वाला है। तो यहाँ पर लिखा है गूगल कैमरा फाउंड योर डिवाइस वाज नॉट फाउंड, यू कैन प्रेस टू बटन बिलो टू सेंड रिक्वेस्ट जी कैम योर डिवाइस, यू कैन नोटिफाई अबाउट इट। तो भाई आपको करना क्या, सबसे पहले रिक्वेस्ट जी कैम पर ओके करना है, ये यहाँ पर हो जाएगा, उसके बाद थोड़ी सैड चलेगी क्योंकि फ्री एप्लीकेशन है, तो कोई दिक्कत नहीं, रिक्वेस्ट सेंड हो चुकी है आप देख सकते हैं। बस ये होने के बाद आपको करना क्या है, आपको बता देता हूँ यहां से क्या हो गया इन्फॉर्मेशन की, जो आपको रिक्वेस्ट आपने इन डिवाइसेस की तरफ की है, जैसे व्हाइट वालों के थ्रू की है आपने, तो इनकी टीम पर जी कैमेटर की टीम के लिए अपने फंक्शन पहुंच जाएगी। इसलिए सभी को बोल रहा हूँ, आप सभी को यही चीज करनी है, यही रिक्वेस्ट सेंड आपको करनी है, जिससे क्या होगा उनके पास ज्यादा नोटिफिकेशन जाएगी तो भाई गूगल कैमरा वो बनाने की कोशिश करेंगे हमारे व्हाइट वाला Y15 डिवाइसेस के लिए भी, कि इनके लिए भी बहुत ही जल्द अवेलेबल कराया जाए। अब बात करते हैं जिन डिवाइसेस के लिए अवेलेबल है वो भी दिखा देता हूँ। अगर आप यहाँ से डाउनलोड करना चाहते हो तो इजीली डाउनलोड कर सकते हो, कोई इश्यू आपको नहीं होगा। तो आपको यहाँ पर साइड में जाना है, यहाँ पर साइड में जाने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं सभी डिवाइसेस के नाम मिल जाते हैं, सैमसंग, शाओमी, लीजी, वन प्लस, रेडमी, रियलमी, सभी डिवाइसेस के नाम है, कोई इशू आपको नहीं। तो फिर सब देख सकते हैं यहाँ पर सभी डिवाइसेस के नाम है। तो चलते हैं वीवो के ऑप्शन पर चलता हूँ। वीवो के ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पर आपको कुछ डिवाइसेस के नाम मिलेंगे वीवो के, जैसे यहाँ पर मॉडल्स आएंगे 1927, 1928, 22, 27, 18, 04, 18, 06, 18, 14, 18, 6, 19, 20 और 19, 21। मतलब ये मॉडल्स आपको मिलेंगे, सभी डिवाइसेस के मॉडल यहाँ पर अवेलेबल है, जिनके लिए भी जी कैम अवेलेबल है भाई, ये ध्यान रखना। गूगल का कैमरा जिन वीवो के डिवाइसेस के लिए अवेलेबल है यहाँ पर लिस्ट मिल जाती है। इनके अंदर भाई अभी व्हाइट वाला Y15 तो देखो नहीं है, हमने इसलिए रिक्वेस्ट सेंड की है। तो आई होप भाई कुछ दिनों तक, महीना, एक डेढ़ महीने के अंदर, 2 महीने तक कोई फाइल हो, ऐसा कुछ सेंड हो जाए। तो कभी भी यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि आपको गूगल कैमरा नहीं मिलेगा, इन फ्यूचर आपको मिल सकता है 1-2 महीने के अंदर, क्योंकि यहाँ पर वीवो के काफी डिवाइसेस को ऐड किया गया है, पहले ऐड नहीं थे, ऐड किया गया है। जैसे आप बाय द वे मुझे यहाँ पर 19/6 के लिए गूगल का कैमरा यूज करना है, तो डाउनलोड मैं कैसे करूंगा? तो यहाँ पर मैं इस पर टैप करूंगा, तो यहाँ पर स्टार्ट डाउनलोड पर जैसे ही मैं टैप करूंगा तो क्या होगा, तो इजिली यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन मांगेगा और यहाँ पर देख सकते हैं डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है मेरी गूगल के कैमरा की। तो यहाँ पर यही बात आती है, क्योंकि फिलहाल तो हमारे डिवाइस के लिए अवेलेबल नहीं है। आप बोलते हो, कमेंट करते हो कि गूगल कैमरा लेकर आओ भाई, क्योंकि अभी फिलहाल अवेलेबल नहीं है हमारे व्हाइट वाला Y15 के लिए। तो इन फ्यूचर इस एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल कर रखना है, रिक्वेस्ट आपने सेंड करनी है जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया। सेंड करने के बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी भाई, जैसे ही अवेलेबल होगा गूगल कैमरा तो इजिली आपको मिल जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। वैसे अगर आप रेडमी के लिए यूज करना चाहते हो, कोई भी यार, जो भी सभी डिवाइसेस के यहाँ पर नाम है, रेडमी के खासकर ज्यादा मिल जाते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो सभी डिवाइसेस के यहाँ पर नाम है, किसी की भी चेकआउट कर सकते हो। तो चलो वो सब्सक्राइब कर दिया करो यार, दिल से बुरा लगता है अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो को लाइक नहीं करते। तो हाँ भाई, मैंने ब्लॉग चैनल बनाया हुआ है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो प्लीज उसे भी सब्सक्राइब कर दो,
लोग अभी थोड़े कम डाले हैं तो डालता रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो जल्दी सब्सक्राइब कर देना भाई, अगर इन्फॉर्मेशन काफी जल्दी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा एप्लीकेशन का, चेकआउट जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए वन